युवाओं पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उनको कंपनसेशन दे, उसके अलावा जितने भी लोग शहीद इस मुकदमे में हुए हैं उन्हें कंपनसेशन दे के उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए, तो सरकार हमें उस प्रकार खत्म कर देगी जिस प्रकार CA NRC का आंदोलन खत्म हुआ है और जिस प्रकार 2 अप्रैल का आंदोलन खत्म हुआ है। दूसरे लोगों के साथ गठबंधन हुआ लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की। जितनी मदद अनुसूचित जाति के लोगों के अनुसूचित जाति के वकीलों ने की है किसी ने नहीं की। अगर अनुसूचित जाति के वकील पे बैक टू दी सोसाइटी के नाम पर और सिद्धांत के नाम पर अगर अपने लोगों की मदद ना करते तो आज भी 90% युवा जो है जेल में सड़ रहे होते। आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था 2 अप्रैल को SC ST एक्ट को लेकर आंदोलन हुआ। SC ST एक्ट जो है उसको रिस्टोर करना पड़ा लेकिन उस आंदोलन में 12 लोग शहीद भी हुए थे और हजारों लोगों पर केस दर्ज किया गया था। ठीक वैसे ही जैसे किसानों का 1 साल का आंदोलन चला, 700 किसानों की शहादत हुई, हजारों किसान पर केस दर्ज हुआ। किसान नेताओं ने उस केस दर्ज वापसी की बात की, शर्त रखी सरकार से, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं पता नहीं किस नींद में सोते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें जो केस दर्ज हुआ है उसके वापसी के लिए UP में लगभग 10,000 के करीब केस है, पूरे देश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों पर FIR है। आज उसी को लेकर एक दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये तमाम चेहरे जो हैं वो सब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। वकील साहब हैं, क्या मांग है आप लोग? देखिए, हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार अन्य आंदोलनों के मुकदमे सरकार वापस लेती है उसी प्रकार जो अनुसूचित जाति के युवा हैं उनके ऊपर जो जितने मुकदमे हुए हैं उन्हें वापस ले और अननेसेसरी उन्हें परेशान करना बंद करे और जिन युवाओं पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उनको कंपनसेशन दे, उसके अलावा जितने भी लोग शहीद इस मुकदमे में हुए हैं उन्हें कंपनसेशन दे के उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए। तो वकील साहब, आपके पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से तो चुप्पी है, कैसे तोड़ेंगे? नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से इस वजह से चुप्पी है क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे पास इस वक्त है ही नहीं। पूरे भारत में हमारा कोई ऐसा लीडर नहीं है जो किसी भी मुद्दे पर हमारी बात बेबाकी से रख सके जो सत्ता में हो। अगर हमारा कोई भी पॉलिटिकल लीडर सत्ता में होता हो जो कि चमचा युग की पैदाइश ना होता तो जाहिर बात है हमारी बात रखी जाती। क्या लग रहा है, सामाजिक आंदोलनों से उम्मीद है? देखिए, सामाजिक आंदोलन अब भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था हो गई है कि खाली अगर हम सामाजिक आंदोलन करेंगे तो सरकार हमें उस प्रकार खत्म कर देगी जिस प्रकार CA NRC का आंदोलन खत्म हुआ है और जिस प्रकार 2 अप्रैल का आंदोलन खत्म हुआ है। क्या करने की जरूरत? अब जरूरत यह है कि हमें राजनीतिक रूप से स्थिर होने की जरूरत है, हमें सत्ता की जो चाबी है वो अपने हाथ में लेने की जरूरत है और जब तक हमारे पास सत्ता की चाबी नहीं आएगी, चाहे उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में, मुकदमे वापस होने की संभावना कम है। कैसे सत्ता की चाबी आएगी? खाली 12%, 15%, 20% शेड्यूल कास्ट के वोट से सत्ता आ जाएगी या गठबंधन भी करना पड़ेगा? नहीं, अगर हम गठबंधन करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बहुजन से सर्वजन हो गए और अगर अकेला चलने की नीति अपनाते हैं तो ये सोचते हैं कि इन पर राजनीति नहीं आती। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किस राज्य के बारे में मैं आपको बताऊं? देश भर की बात। देखिए, देश भर के अंदर हमारे पास सिर्फ उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकते थे, बनाई हैं और बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर जो गठबंधन है, दूसरे लोगों के साथ गठबंधन हुआ लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे हरियाणा हो, इसमें अनुसूचित जाति के लोगों की बहुत ज्यादा का वोट बैंक का प्रतिशत है। उसके बावजूद भी आ जाएगी इस बार पंजाब में सरकार आएगी आप लोग की? किसकी? अकाली और BSP का गठबंधन है। आप बिल्कुल कोशिश करेंगे अब की बार, अगर अकाली और BSP का गठबंधन और पंजाब में सरकार आती है तो सबसे पहले ये 2 अप्रैल के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। यूपी में बनेगी सरकार? बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। चलिए, चुनाव भी जरूरी है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम VP सिंह है। तो आप पर भी के कंप्लेन था? नहीं, मेरे भाई को बंद किया गया, मेरे पे भी कंप्लेंट है। वो तो जो जितने भी हमारे समाज के लोग हैं सभी के ऊपर कंप्लेंट है, तो मेरा भी दायित्व है कि अगर मेरे ऊपर कंप्लेंट नहीं है तो मैं क्या उनकी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। ये है वो युवा है, क्या नाम है? ललित वरुण है। इनको भी हापुड़ से उठाया गया था और इस आंदोलन को आगे लड़ रहे हैं। कितने लोगों पर देश भर में FIR है? पूरे देश भर में 50,000 से ज़्यादा के इसमें FIR दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश से कम से कम 20,000 से अधिक FIR दर्ज हैं इस मामले में। और हमारा प्रयास है कि सरकार द्वारा अपनी बात को पहुंचाया जाए और सरकार के माध्यम से इन केसों को वापस किया जाए, हमारा प्रयास है। और इसी प्रयास में एक सबसे बढ़िया है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है जो सरकार तक हमारी बात को पहुँचेगा। हम इस समय दिल्ली में और दिल्ली के हर्ट में बैठे हुए हैं, बिल्कुल विस्टा के प्रोजेक्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर हैं। तो मैं मानता हूँ सरकार की नज़र में है, ऐसी बात नहीं है। सरकार, ये बहुत गंभीर मसला है। सोचिए, 50,000 युवाओं पर केस है। वकील साहब तो चले गए, आइए इधर।
उनका कैरियर बर्बाद हो रहा है, लोगों की नौकरियां ज्वाइनिंग नहीं कर पा रही है, कैरियर बर्बाद हो रहा है लोगों का, कैरियर भी बर्बाद हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमारी जो भी सबमिशन है उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हम जब वकीलों की जिम्मेदारी तो ज्यादा हो जाती है, आप लोग अगर देश भर में पटिशन डाले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो कोई मामला बन। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ वकीलों के बिहाफ पे कि जितनी मदद अनुसूचित जाति के लोगों की अनुसूचित जाति के वकीलों ने की है किसी ने नहीं की। अगर अनुसूचित जाति के वकील पे बैक टू दी सोसाइटी के नाम पर और सिद्धांत के नाम पर अगर अपने लोगों की मदद ना करते तो आज भी 90% युवा जो है जेल में सड़ रहे होते हैं। इसमें क्या कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं डाली जा सकती 50,000 लोगों को एक साथ? देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, देखिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने का मतलब है कि पूरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी तो हमारे बहुमत का नुकसान होना, फिर डिस्ट्रिक्ट जो अदालतें हैं वो इस इंप्रेशन में काम करेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी है तो हमारे पास एसेंशियल रेमेडीज हैं। पहले हम हाई कोर्ट में जाएंगे, ट्रायल कंडक्ट करेंगे, पहले ट्रायल फिर हाई कोर्ट फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हम उल्टा नहीं चल सकते। तो देखिए बड़ा मसला है इसीलिए मैं आया हूँ स्पेशली। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश अभी में आप पर भी कोई कंप्लेंट था? तो चलिए युवा लोग हैं, आपका क्या नाम है सर? सुनील आजाद, एडवोकेट सुनील आजाद। अच्छा आप भी वकील हैं जी। तो देखिए ये एक बड़ी बैठक हुई है, क्या नाम है आपका? मेरा केपी सिंह नाम है सर। आप लोग इस मतलब कितने क्या करने की जरूरत है, क्या लगता है सर? करने की जरूरत हमें ये है जिस तरह से हम प्रेस क्लब कर रहे हैं और एक यूनिटी बनाकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को, जैसे चुनाव का समय है तो सरकार को हमें सोचना चाहिए और सरकार को ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लेना चाहिए कि जो भी हमारे समाज पर मुकदमे हैं उन मुकदमों को तुरंत वापस ले। क्या करने की जरूरत है सर? कैसे मुकदमा वापस होगा? देखिए ये सेमिनार का एक मकसद यहाँ रहा क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट द्वारा मुजफ्फरनगर दंगों के जो एक्यूज रहे हैं उनसे मुकदमे उठा लिए गए हैं, किसान आंदोलन के मुकदमे उठा लिए गए हैं, तो हमारा प्रयास ये है कि मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपसे बेहतर जरिया हमारे पास है नहीं, इसके माध्यम से गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों से आपने मुकदमे हटाए हैं हमारे लोगों से भी आप मुकदमे हटा लीजिए। ये बेहतर है। वरुण, वरुण क्या करना अब और आगे कैसे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे? सर आगे के हमें, मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस मामले में हमें अमेरिका, जापान और सॉरी अमेरिका, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के जो पूर्व सेनेट रहे हैं, वो भी ऐसे जो सेनेट रहे हैं, उन्होंने एक विश्वव्यापी एक स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मतलब एक साथ इकट्ठा आने का और अपनी बात को मजबूती से रखने का, जितनी भी पूरी दुनिया में डिप्रेस कम्युनिटी हैं, क्योंकि जैसे आप अभी ले लीजिए जॉर्ज फ्लॉयड, जो अरे अभी भारत में क्या करना है, भारत में इस आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा। इस आंदोलन की आप 50,000 SC ST के युवाओं पर, OBC के युवाओं पर, इसमें सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट के युवा हैं, SC ST एक्ट को उन्होंने रिस्टोर कराने के लिए आंदोलन किया था, 50,000 के करीब लोगों पर केस दर्ज है, कैसे समाज के तौर पे हम एस्टेब्लिश होंगे जब हम अपने युवाओं को बचा नहीं पा रहे? आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आंदोलन हुआ, शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसमें पुलिस की गोलियों से लोग मरे, 12 लोग मरे, मैं 12 विक्टिम से मिला हूँ, सबको पैसे दिए गए थे, सबकी मदद की गई समाज की तरफ से, लेकिन 50,000 युवाओं पर केस दर्ज है, उनकी नौकरी नहीं लग रही है, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं, इस तरह का भेदभाव हो रहा है। अगर आप एक समाज के तौर पे, बहुजन समाज के तौर पे अगर आप अपने घरों में बैठे हुए हैं तो अगली बारी आपकी है, ये मामूली मामला नहीं है, आपके 50,000 युवाओं पर केस दर्ज है जिनका भविष्य अंधकार में है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो आपको बचाने की अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। आपको घरों से निकलना होगा, सोशल मीडिया पर इसको बात करनी पड़ेगी, नेशनल दस्तक ने पहले भी बात किया है, हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो इस देश के युवा हैं, जिसके कंधे पर इस देश की जिम्मेदारी है, जो सबसे ज़्यादा मेहनतकश लोग हैं, आज मैं इसीलिए कहता हूँ कि खीरा चोर को जेल में डाल दिया जा रहा है और हीरा चोर फरार है। 50,000 बहुजन युवाओं को SC ST एक्ट में आंदोलन की वजह से फंसाया गया है, उन पर केस वापस के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, कैसे रास्ता निकल सकता है, कैसे युवाओं को ऊपर से FIR हो सकता है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।